क्या व्यान की जिंदगी में कथा वापस आने वाली है या फिर माया का प्लान होने वाला है सक्सेसफुल? वेल, मैं आपको बता दूं कि टीवी दुनिया के मोस्ट पॉपुलर सीरियल कथा अनकही का लेटेस्ट प्रोमो सामने आया है और प्रोमो में जिस तरह से दोनों के बारे में दिखाया जा रहा है वो बेहद हैरान कर देने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि इस सीरियल के लेटेस्ट प्रोमो में क्या कुछ नया ट्विस्ट हम सबको देखने को मिलने वाला है। मैं आपको बता दूं कि सीरियल का लेटेस्ट प्रोमो सामने आ चुका है और प्रोमो में दिखाया जा रहा कि कथा आखिरकार व्यान को छोड़ के जा रही होती है, क्योंकि वो अब ये सोचती है कि व्यान से जाना ही हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि आप सभी को तो पता ही है कि माया एक प्लान के बाद दूसरी प्लान बनाए जा रही है और फिर कथा को और व्यान को अपने जाल में फंसाए जा रही है। वहीं आप लोगों को ये भी पता है कि कैसे व्यान इस वक्त हॉस्पिटल में है और वो बेहद परेशान है, लेकिन इस वक्त में भी कथा व्यान को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए उससे दूर जाने वाली है। वहीं ईशान इस वक्त से बेहद परेशान है क्योंकि वो कथा और व्यान को दूर होते नहीं देख सकता और वो लगातार कोशिशें कर रहा है कि कथा आखिरकार रुक जाए और व्यान को छोड़ के ना जाए। वहीं आलिया ईशान से पूछती है कि आखिर क्यों कथा व्यान से ब्रेकअप कर लिया है, लेकिन आप सभी को तो पता ही है कि 1 करोड़ का जो बात होता है वही इन दोनों की रिश्ते पे भारी पड़ता है, क्योंकि ये बात अब माया को पता चल गया है और कथा के भाई को, जिसके वजह से इनकी शादी में इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। लेकिन अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या सच में कथा कभी व्यान के लाइफ में वापस नहीं आने वाली है, क्योंकि जिस तरह से वो व्यान को दर्द में कहारता हुआ छोड़ के जा रही है, वैसे में तो ये उम्मीद लगाना बेहद मुश्किल है कि कथा अब व्यान के पास वापस आ जाएगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या व्यान ठीक होने के बाद कथा के पास वापस जाएगा, क्योंकि आप सभी को तो पता ही है कि व्यान कथा से कितना प्यार करता है और उसके बिना वो रह नहीं सकता। लेकिन अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या तेजी और आलिया के बीच सब कुछ सही होने वाला है, क्योंकि पहली दफ़ा आलिया को तेजी ने बेटा कहा है, जिसके वजह से आलिया बेहद खुश है और वो उसके पास बैठी हुई है। क्योंकि आप लोगों को तो बताई है कि कैसे माया है जो सबके रिश्तों के बारे में जानना चाहती है और वो हर चीज़ में इंटरफेयर करना चाहती है। लेकिन अब सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या सच में कथा और व्यान अलग हो चुके हैं? लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या कथा माया को बहकाने के लिए व्यान से दूर हो रही है या सच में वो दूर हो रही है? देखना ये अब ये बेहद दिलचस्प होगा कि इस सीरियल के आने वाले ट्रैक में और क्या नया ट्विस्ट हम सबको देखने को मिलेगा। वेल, इस वीडियो पे आप सभी का क्या राय है हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही अपनी फेवरेट सीरियल के अपडेट जानने के लिए देखते रहें फिल्मी बिट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ भी हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो करें।